Hello children, welcome to your English video class. Children, as you know that we are doing grammar and in grammar we are doing tenses. And since past many videos we are doing different types of tenses like simple present tense, present continuous tense and started past tense. In past tense also we have done a lot of verbs and their past form. पिछले कई वीडियो में हमने जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर से जितने भी उसमें वर्ब्स थे उन सबको हमने पिक किया और अगर वो पास्ट फॉर्म में थे तो उसका रूट फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म है वो मैंने आपको बताया और अगर वो वर्ब प्रेजेंट टेंस में थे तो मैंने उसका पास्ट टेंस आपको बताया कि किस तरह से उसका पास्ट टेंस आपको बनाना है. और मैं रिपीटेडली ये बात बोल रही हूँ कि आपको जो पास्ट टेंस है वो लर्न करने की चीज है. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एंड लर्निंग बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर पास्ट टेंस, फॉर चेंजिंग द वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस. इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑफ कोर्स लर्निंग आल्सो, बिकॉज समटाइम्स द होल वर्ब changes, the pronunciation and the spelling both changes when the main verb changes to past tense. जो main verb होता है, जो root verb होता है, जो simple present form जो होता है उसका जब हम past बनाते हैं, past tense बनाते हैं, तो कभी कभी पूरा का पूरा verb जो है वो change हो जाता है. पूरा verb change हो जाना मतलब उसका pronunciation भी change हो जाएगा, उसका spelling भी change हो जाता है. So that's why you need practice, you need to learn. हमने बहुत सारे verbs किए आपके main जो course books थे उसमें से कई सारे verbs हमने किए हैं और इससे आपका जो advantage है वो ये है कि while reading the chapter you will come across those words. वो जब आप words पढ़ेंगे तो you will revise it. In the form of present tense or past tense, it will be a sort of a revision also for you. But you need to learn, you need to read the chapter, try to underline the verbs and write it whether it is in the present tense form or in the past tense form. जहां भी आप chapter के बीच में अगर आप देखते हैं कोई verb तो उसको underline कीजिए और ये उसके ऊपर लिख लीजिए, चाहे दिमाग में इसको डाल लीजिए कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस में है वर्ब या ये पास्ट टेंस में है. तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. अभी हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, सेंटेंसेस शुरू किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस और फिर उसी की जैसा वही वर्ब यूज करके उसका एक पास्ट टेंस वाला सेंटेंस. प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वही वर्ब यूज करते हुए पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना, ये हमने स्टार्ट किया था और हमने थ्री सेंटेंसेस किए थे. नाउ विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज, उसको हम करते हैं और अब कुछ और सेंटेंसेस लिखेंगे जो प्रेजेंट टेंस में होंगे और फिर जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है उसी वर्ब को पास्ट टेंस में यूज करते हुए एक और सेंटेंस हम बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहां पर है सिंपल पास्ट टेंस. चलिए, थ्री सेंटेंसेस वी हैव ऑलरेडी डन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन. मॉम पैक्स माय लंच. नाउ हियर द वर्ब इज पैक्स. ये जो पैक्स वाला जो वर्ब है ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है और इसमें हमने एस यूज किया है बिकॉज मॉम जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है मॉम. तो जब नाउन या प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, है ना. तो हमने यहां पर
लगाया हुआ है एंड दिस शोज दैट दिस वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सेम यही जो वर्ब है पैक्स, इसका पास्ट टेंस हम देखेंगे. तो पैक का पास्ट टेंस होता है पैक्ड. पैक का पास्ट टेंस पैक्ड, पैक्ड, पी ए सी के ई डी, पैक्ड. तो अब पैक्ड वर्ब के साथ हमें एक सेंटेंस इसी तरह का बनाना है. तो सेम ऐसा ही सेंटेंस हम बना सकते हैं, मॉम पैक्ड. नाउ इट इज पैक्ड, इंस्टेड ऑफ पैक्स पैक्ड. माय लंच, यहां पर वो काम हो चुका है और यहां पे ये डेली बेसिस पर होता है, रेगुलर एक्टिविटी है ये. मैम मॉम पायर पैक्स माय लंच, मतलब वो मेरा लंच पैक करती है. इट इज अ रेगुलर थिंग एंड हियर इट इज पास्ट टेंस, ये चीज हो चुकी है. मॉम पैक्ड द लंच, सॉरी लंच बॉक्स कर देते हैं, लंच लंच बॉक्स. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फाइव, मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक. मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक. नाउ लुक एट द वर्ब टीचेस. टीचेस हम इज अ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ये जो वर्ब है ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है और ये ई एस हमने इसमें ऐड किया है. टीच में हमने ई एस लगाया है. टीचेस वर्ब है हमारा टीच, हमारा वर्ब है टीच, टी ई ए सी एच टीच. उसमें हमने लगाया है ई एस. क्यों ई एस लगाया है? क्योंकि जो हमारा नाउन है जो इस एक्शन को कर रहा है, ये वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, वो सिंगुलर है. मिसेस आशा इज अ वन टीचर, शी इज अ सिंगल टीचर. तो जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ब. तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो टीच है और उसको हमने लगाया ई एस, टीचेस. मिसेस आशा टीचेस अस म्यूजिक. तो इससे ये हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. अब टीच का पास्ट टेंस क्या होता है? टीच का पास्ट टेंस टीच्ड. नो, टीच्ड तो नहीं होता है. क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है टीच वर्ड से. क्या होता है वो? टॉट. टीच का पास्ट टेंस टॉट, टीच टॉट. मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले बोला था ना कि वर्ब का पास्ट टेंस कंप्लीटली डिफरेंट साउंड वाला या डिफरेंट स्पेलिंग वाला भी हो सकता है. तो हम लिखेंगे यहां पर कि अब क्योंकि यहां पे हमने ये लिखा है कि मिसेस जो आशा है वो म्यूजिक अभी भी पढ़ाती है, शी टीचेस अस. तो अब यहां पर हम टॉट तो नहीं लिख सकते कि पढ़ाती थी नहीं कर सकते, इन्हीं का नाम थी में नहीं कर सकते ना, पढ़ाती है पढ़ाती थी नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पे टीचर का नाम चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं मिसेस प्रिया बना देते हैं. ठीक है, मिसेस प्रिया ये पहले पढ़ाती थी और ये अब पढ़ा रही है. तो मिसेस प्रिया टॉट. देखिए अब टीच का हो गया टॉट और जैसा स्पेलिंग आप देख रहे हैं टी ए यू जी एच टी. तो मैं बार बार बोल रही हूँ इसको टाउगट नहीं बोलेंगे, इसको टॉट बोलेंगे, टी ए यू जी एच टी टॉट. प्रोनाउंसिएशन इसका टी ओ टी टॉट होगा. ठीक है, मिसेस प्रिया टॉट अस म्यूजिक लास्ट ईयर, टॉट अस म्यूजिक लास्ट ईयर. मिसेस प्रिया टॉट अस म्यूजिक लास्ट ईयर, मतलब अब ये चीज क्या उन्होंने पढ़ाया. यहाँ वो है कि पढ़ाती है, सिखाती है, सिखाती है. ठीक है, और यहाँ पर है कि सिखाया, ये हो चुका है और ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है प्रेजेंट फॉर्म. और टीच का पास्ट हो गया टॉट. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस.
6. K-I-R-A-N, Kiran writes neatly. अब यहाँ मैंने देखा आपने कि मैंने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया है, किरण राइट्स नीटली. अब ये जो वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब क्या है? राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ये है ओरिजिनल वर्ब राइट. इसमें हमने एस लगाया है. वाई एस? बिकॉज अगेन जो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, एक है जो एक्शन कर रहा है, जो लड़की या लेडी, जो भी हमारा नाउन है, जो इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है वो सिंगुलर है, वो एक है. तो जब भी नाउन या प्रोनाउन एक होता है तो हम वर्ब में चेंजेस करते हैं, है ना, हम एस, एस आई एस लगाते हैं जैसा कि उस वर्ब के साथ सूटेबल होता है. तो हमने एस लगाया. किरण राइट्स नीटली, मतलब दिस इज ऑन रेगुलर बेसिस एवरी डे शी राइट्स, इट्स अ जनरल फैक्ट दैट शी राइट्स नीटली, किरण राइट्स नीटली. अब यहां किरण को ही रहने देते हैं. अब यहां लिख देते हैं के आई आर ए एन, किरण. अभी राइट का पास्ट टेंस क्या होता है? राइटेड नहीं होता है, राउट नहीं होता है, रोड. किरण रोड, डब्ल्यू आर ओ टी ई, राइट का पास्ट टेंस हो गया रोड. किरण रोड अ लेटर, किरण रोड अ लेटर टू हर ग्रैंडफादर. किरण रोट अ लेटर टू हर ग्रैंडपा, किरण ने अपने ग्रैंडपा को लेटर लिखा, मतलब लिख नहीं रही है, उसने लिखा, लेटर लिखा, ये चीज हो चुकी है. ठीक है, किरण रोट अ लेटर टू हर ग्रैंडपा. नेक्स्ट, अच्छा अभी जगह है इसलिए नीचे लिख देते हैं. नंबर 7, नंबर 7 पे है हमारा दे सॉल्व रिडल्स. दे एस ओ एल ई, अब यहां पर जो हमारा वर्ड है वो है सॉल्व. दे सॉल्व रिडल्स, दे सॉल्व रिडल्स. अब यहाँ पे रूट वर्ब भी सॉल्व है और प्रेजेंट फॉर्म में भी सॉल्व है. हमने इस वर्ब में कोई चेंजेस नहीं किया, सॉल्व को सॉल्व ही रहने दिया. क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब एक से ज्यादा के लिए हम लोग दे यूज करते हैं. दे कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा होता है नाउन, जो एक्शन करने वाले जब एक से ज्यादा है तो हम दे यूज करते हैं. ये दे प्रोनाउन है और ये ज्यादा के लिए यूज होता है. ज्यादा मतलब मोर देन वन, मोर देन वन टू भी हो सकते हैं, 200, 2000 भी हो सकते हैं. तो मोर देन वन में हम दे यूज करते हैं और ये दे मेल, फीमेल, एनिमल, बर्ड सबके लिए यूज हो सकता है दे. तो दे सॉल्व रिडल्स हमारा सीखता है और ये सॉल्व का अब हम यूज करेंगे पास्ट टेंस. सॉल्व का पास्ट टेंस क्या होगा? Solved. सॉल्व का past tense solved. E तो पहले से ही है, सिर्फ D लगाना है. और solved verb को use करते हो. Let's form a sentence. They solved. उन्होंने solve किया. They solved. Solved riddles. मतलब उन्होंने सॉल्व कर लिया. दे आर नॉट सॉल्विंग, दे सॉल्व इट, कंप्लीट कर लिया उन्होंने. ठीक है, दे सॉल्व द रिडल.
इजिली। चलिए आप और सेंटेंसेस लेते हैं, इसको अभी लिस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एट, नंबर एट है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Now here the verb is wake, जागना। I wake up, ये जो pronoun है I, जो हम अपने लिए use करते हैं, जो self के लिए use होता है हमेशा, तो इसके साथ जो verb use होता है वो original form में ही use होता है when it is the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ जो वर्ब यूज होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब ये मेरी हैबिट है, आई रेगुलरली आई डू दिस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वेक का पास्ट टेंस क्या होता है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वेक, वोक। वेक का पास्ट टेंस वोक, तो हम लिखेंगे आई वोक लेट, मैं देर से उठी। जनरली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट टुडे आई वोक लेट, ऐसा बोल सकते हैं। जनरली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट टुडे आई वोक अप लेट। तो यहां पर हो क्या, सॉरी वोक अप, मैं अप लिखना बोलू, आई वोक अप, उठ जाना। और यहां आई वोक अप लेट, मैं देर से उठी, मतलब ये चीज हो चुकी है। आई वोक अप लेट, वेक का पास्ट टेंस वोक। नेक्स्ट इज तान्या सिट्स The verb is sits. Again, you can see that S लिखा हुआ है sits के साथ. Original verb क्या है? S-I-T, sit. S-I-T, sit is the original verb. और क्योंकि तान्या एक लड़की है, singular noun है, तो हमने उस original verb में S add किया. ठीक है? क्योंकि इस वर्ब के साथ एस जाता था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो वर्ब में चेंज किया वो क्या किया, एस लगाया, क्योंकि तान्या एक लड़की है। तान्या सिट्स विद मी। अब सिट का पास्ट टेंस क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म तो हमारा ओरिजिनल वर्ब क्या है, सिट है, तो सिट का पास्ट टेंस क्या होगा, सैट। सिट का पास्ट टेंस सैट। तो सेम यही सेंटेंस को हम कर लेते हैं, टी ए एन आई वाई ए तान्या सैट विथ मी। मेरे साथ बैठी थी, अभी नहीं बैठी है बट बैठी थी, तान्या सैट विथ मी। सिट का पास्ट टेंस हो गया सैट, तान्या सैट विथ मी। देन नेक्स्ट इज You sleep early. Now here the verb is sleep. हमारा verb है sleep, क्योंकि ये present form में है और ये ही root verb भी है, जो main verb जिसको बोलते हैं, original verb भी
स्लीप ही है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है. क्यों चेंज नहीं किया है? क्योंकि हम यू के साथ भी चेंजेस नहीं करते हैं. जो हमारा प्रोनाउन है यू जो प्रोनाउन है, इसके साथ भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं वर्ब में. यू प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है. और यू प्रोनाउन चाहे वो सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो, हम उसके वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं. मेन वर्ब वैसा का वैसा ही रहता है. तो यू स्लीप अर्ली, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. अब स्लीप का पास्ट टेंस क्या होता है? स्लीप जो वर्ब है इसका पास्ट टेंस क्या होता है? स्लेप्ट. स्लीप स्लेप्ट. यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग. यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून. अब ये हो गया स्लेप्ट. स्लीप का पास्ट टेंस हो गया स्लेप्ट. यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून. तुम शाम को दोपहर को सो गए, मतलब सोए थे. अभी नहीं सोए हो लेकिन सोए थे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. टेन हो गया. हम कुछ 15-15 सेंटेंस कर लेते हैं जितना हम पॉसिबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस देखना है और फिर उसका पास्ट बनाना है. ठीक है. Catches thieves. पुलिस जो है वो सिंगुलर में यूज किया. पुलिस कैचेस थी. पुलिस जो है वो चोर को पकड़ती है. पुलिस चोरों को पकड़ती है. कैचेस थी. अब कैच का पास्ट टेंस. कैच का क्या पास्ट टेंस होता है? कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट. कैच कॉट. अगेन स्पेलिंग भी अलग है और उसका प्रोनंसिएशन भी बिल्कुल अलग है. ठीक है. द पुलिस कॉट. सी ए यू जी एच टी. सी कैच का स्पेलिंग देखिए और कॉट का स्पेलिंग देखिए. पूरी की पूरी स्पेलिंग अलग है और प्रोनंसिएशन भी बिल्कुल अलग है. कैच अलग है, कॉट अलग है. स्पेलिंग हमने किस तरह से लिख रहे हैं उसको साउंड हमारा बिल्कुल अलग है. सी ओ टी कॉट वाला स्पेलिंग आ रहा है. द पुलिस कॉट थीव्स. पुलिस कॉट द थीव्स. कॉट द थीव्स. द पुलिस कॉट द थीव्स. नेक्स्ट जो ड्रिंक है वो ओरिजिनल वर्ब है. इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है. क्यों नहीं चेंज किया है? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है. कैट्स, एक से ज्यादा बिल्लियां हैं, एक से ज्यादा कैट हैं. तो कैट्स जब हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है, तो हम वर्ब में चेंज नहीं करते हैं. हम ओरिजिनल वर्ब ही यूज करते हैं. तो कैट्स ड्रिंक मिल्क. बिल्लियां दूध पीती है, सबको पता है पीती है. अब बिल्लियों ने दूध पी लिया अगर बोलना हो तो कैट्स ड्रैंक. ड्रिंक का पास्ट टेंस हो गया ड्रैंक. ड्रिंक ड्रैंक. कैट्स ड्रैंक मिल्क. कैट्स Drank milk. हो गया. अच्छा, और देख लेते हैं. जो रह तो नीचे ही लिख देते हैं. They
buy clothes. We buy clothes में हम कर रहे हैं. वो कपड़े खरीदते हैं. They buy clothes. They buy clothes. अब इसका buy का buy जो है वो original word है. Buy जो है इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि अगेन जो हमारा प्रोनाउन है वो है दे, और दे एक प्लूरल प्रोनाउन है. मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए, चीजों के लिए यूज होता है दे. इसीलिए हमने ओरिजिनल वर्ब ही यूज किया है. क्योंकि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है तो हम वर्ब में चेंजेस नहीं करते हैं. तो हमने लिखा दे बाय क्लोथ्स. अब इसका पास्ट टेंस जब हमें लिखना होगा दे बॉट. बाय का पास्ट टेंस हो गया बॉट. देखिए पूरा स्पेलिंग अलग, पूरा प्रोनंसिएशन अलग. बाय और बॉट की स्पेलिंग में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, साउंड में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. बाय बॉट, बाय बॉट. दे बॉट क्लोथ्स फॉर द पार्टी. एड कर देते हैं फॉर द पार्टी. दे बाय क्लोथ्स फॉर द पार्टी. तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में तो आ ही रहा है कि देखिए जो जब भी सेंटेंस पास्ट का हो जाता है तो उसमें किस तरह से वर्ब चेंज हो जाता है, और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम सेंटेंस में भी चेंज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. फिर है एक और, इसको इरेज कर देते हैं. अब सेंटेंस नंबर 15 देखते हैं. मदर कुक्स, मदर कुक्स माय फेवरेट डिशेस. माय फेवरेट डिश, फेवरेट डिश. या डिशेस भी कर सकते हैं. मदर कुक्स माई फेवरेट डिशेस, मतलब मम्मी मेरी फेवरेट डिशेस बनाती है. इट्स डेली, शी डज दिस रेगुलरली. माई मदर या मदर कुक्स माई फेवरेट डिशेस. मदर कुक्स माई फेवरेट डिशेस. अब कुक का कुक जो है वो ओरिजिनल वर्ब है. सी डबल ओ के कुक जो है वो ओरिजिनल वर्ब है. उसमें हमने एस एड किया. क्यों? क्योंकि मदर जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक नाउन है. तो जब नाउन एक होता है, मतलब सिंगुलर होता है, तो हम वर्ब में चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, ऐड करते हैं एस या ई एस या आई ई एस डिपेंडिंग ऑन द वर्ब. तो इसीलिए हमने कुक में हमने एस ऐड किया. मदर कुक्स माय फेवरेट डिशेस. अब कुक का कुक तो ओरिजिनल वर्ब है. अब इसका पास्ट टेंस क्या होगा? तो लिखेंगे मदर कुक्ड. मदर कुक्ड माय फेवरेट डिश लास्ट नाइट. अब क्योंकि वो बना चुकी है ना, तो मदर कुक्ड माय फेवरेट डिश लास्ट नाइट. कल रात मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई. ठीक है, बना चुकी, अभी बना नहीं रही. कुक्ड, शी कुक्ड. हमने 15 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट किए इस तरह के, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया गया. सिमिलर सेंटेंसेस बनाया हमने, सिमिलर वर्ब्स को यूज करके किया.
आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे और पास्ट टेंस से रिलेटेड अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस और करेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ वर्ब्स इकट्ठे किए थे, वर्ब्स और उसके पास्ट टेंस देखे थे, लेकिन सेंटेंस और एक्सरसाइजेस वी हैव नॉट येट डन. तो ये हमारा एक पार्ट था, एक फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बट देर आर मेनी मोर टू डू, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन क्लियर इट ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, थैंक यू.